आप सभी का युवा शक्ति टीम में स्वागत करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदगुरु सदाफल देव आदर्श गौशाला लुकुया आश्रम में 1101 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ हुआ है, जिसका भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारे यहाँ पर गुरु भाई बहन लोग सारे उपस्थित हुए हैं। तो जय सतगुरुदेव गुरु भाई, आप यज्ञ करने के लिए आए थे क्या? यज्ञ हो गया? यज्ञ हो गया जी, सफलतापूर्वक जी। और कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी जी। अच्छा सर, इधर आएंगे हल्का सा। लुकुया आश्रम में यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर वैसे गौ रखे जाते हैं जो दूध नहीं देते हैं, जिसको लोग अपने घर से छोड़ देते हैं, उन गौओं के बारे में आप क्या कहेंगे जिसके यहाँ पर सेवा की जाती है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? यहाँ पर सेवा अच्छी तरह से हो जाता है। जो गाय असमर्थ है सेवा करने के लिए घर में, वो यहाँ पर सेवा ठीक ठाक से हो जा रहा है, बहुत अच्छी बात है जी जी सर। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है। तो चलिए, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं सारे यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं और गौस यहाँ पर सारे लोग देख सकते हैं। अंदर का दृश्य आइए हम लोग देखते हैं। आइए आइए। तो चलिए अब हम लोग अंदर का दृश्य देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। यहाँ पर हमारे गुरु भाई हमारे कैमरामैन यही हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग किया आप सबके वीडियो। तो चलिए आगे। बहुत अच्छा लगा रहा है। तब गुरु भाई कैसा लगा अभी? हमको बहुत अच्छा लगा जी जी। नाम क्या हुआ आपका? छोटा नूराव जी। छोटा नूराव जी हमारे कैमरामैन हैं जो भी साथ साथ चल रहे हैं। बेड़ो प्रखंड के हैं। बेड़ो प्रखंड जी जी, बेड़ो प्रखंड रांची। हाँ, रांची जिला रांची है। ये हुआ पंडाल, प्रवचन पंडाल यहाँ पर लगा हुआ है। और इधर देखिए दवा बीरो का व्यवस्था है। ये रहा प्रवचन पंडाल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन लोहरा है जी जी। और यहाँ क्या चीज करना है आप? हवन के लिए, प्रवचन सुनने के लिए? यहाँ पर ये विहंगम योग जो ज्ञान है जिसमें दोनों चीज का लाभ उठाना है जी जी। एक भौतिक भी, एक आध्यात्मिक भी जी जी। तो अभी हम सब ने जितना भी देख रहे हैं अभी लोग, वो अभी भौतिक के लिए सभी लोग हवन किया है जी जी। और अभी जो संध्याकालीन में अध्यात्म से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो सब अभी श्रवण करने के लिए यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं जी जी। मतलब अभी प्रवचन होगा, मतलब बहुत अच्छा। यज्ञ किस लिए होता है? मतलब कि भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। हाँ यस, वो ये जो हवन यज्ञ है ये भौतिक कामनाओं को पूर्ण करता है। जितना भी अभी अभी हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जानते हैं कि इधर आ जाइए अपन, आप लोग यहाँ पर। तो जैसे कि भौतिक चीज़ें हमें प्राप्त नहीं हो रहा, जैसे मैं अभी धान नहीं लग पाया समय से, है ना, अनाज पैदा नहीं कर पाए, किसके कारण से? तो आज हम जो है कि पहले ऋषि मुनि का जो नियम है वो हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए जो आज हवन के माध्यम से बारिश होती है। और बारिश के वजह से जो है हम लोग आज हम लोग को खेती बाड़ी नहीं हुआ। तो हम लोग को यह कर्तव्य है मानव जीवन को कि हवन हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर हर घर घर में करना चाहिए जी जी जी। मतलब हवन से बहुत सारे रोग दुखों का छुटकारा हो जाता है, बहुत सारे मनोकामना पूर्ण होती, बारिश भी होता है, वातावरण शुद्ध होता है, हमारा प्रकृति शुद्ध होता है ना जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुंदन लोहरा हुआ। कुंदन लोहरा कहाँ से है?
मेरा प्रखंड बालूमाथ हुआ और गांव ओल्हे पाठ है। जी जी जी, चलिए बालूमाथ से आए, बहुत अच्छी जानकारी दी हवन के बारे में। हर किसी को हवन करना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि हवन में अगर घी जो जलता है, 10 ग्राम घी से 1 टन ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो हमें यह हवन करना चाहिए जो कि प्रकृति को शुद्ध करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह आप देख सकते हैं सदगुरु सदाफल देव आदर्श गौशाला लुकैया चंदवा लातेहार झारखंड का यह जो दृश्य है यह दिख रहा है। यहाँ पर प्रवचन पंडाल भी दिख रहा है और ये है गौशाला जो कि हैप्पी तरीके से बनाया गया है। और ये देखिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं सभी प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हवन के पश्चात यहाँ पर सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हवन के पश्चात आगे चल कर आप देखेंगे कि बहुत ही भीड़ जो है वह आपको देखने को मिलेगा। तो गौशाला के ऊपर एक विशेष वीडियो बना हुआ है जिसे आप लोग देखेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसे कृपया अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। और इसी विनम्र आग्रह के साथ अब हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को कृपया अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। यह जो भीड़ है आप सब देख सकते हैं, पूरा भीड़ लगा है, सारे लोग प्रसाद ग्रहण के लिए यहाँ पर भीड़ है।